पति ने महिला प्रेमी के साथ पकड़ा तो महिला ने वीडियो बनाकर पति पर लगाया आरोप। बिहार के पूर्णिया जिले से एक वीडियो सामने आया था। उस वीडियो में एक शख्स ने अपनी बीवी को किसी और शख्स के साथ बाइक पर घूमते देख लिया था। पति ने पहले महिला के चेहरे से कपड़ा हटाया, फिर उसे थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो लोगों ने महिला को गलत ठहरा दिया। ऐसे में उस महिला ने आज एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में महिला ने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि वह शख्स जिसके साथ वह बाइक पर बैठी थी वह उसका बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि भाई है। इसके अलावा महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं और कहा है कि उसका पति शराब पीकर उसे मारता है और दहेज की मांग करता है। मेरा नाम आंचल चौहान हुआ और जैसे कि मेरे पति ने कहा वीडियो में कि मैं R15 पे बैठ के घूम रही हूँ, ठीक है, तो मैं घूम नहीं रही थी। मेरे इस वीडियो में कुछ भी ऐसा गलत नहीं था कि वो कुछ गलत कर रहे या फिर मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मेरी छोटी सिस्टर थी, मेरे छोटे भाई थे, मैं अपने छोटे भाई और छोटी बहन के साथ एग्जाम देने के लिए जा रही थी जो कि पूर्णिया टोल गेट के पास। मेरा भाई का बाइक खराब हो गया। उस दौरान मेरा एग्जाम का बहुत टाइम कम था, लेट हो रहा था। मैं जाने के लिए सोच रही थी कैसे जाऊं नहीं जाऊं, बस कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उस दौरान वो भैया मिले मेरे, मतलब फैमिली रिलेटिव में, मतलब गोतिया में लगते हैं, ठीक है, वो मिले। वो बस उनको फोर्स किए, वो हेल्प किए, वो मुझको एग्जाम सेंटर तक छोड़े। और उस दौरान मेरे पति ने आए और मैं एग्जाम नहीं दे पाई क्योंकि 4 मिनट लेट हो गया था। क्योंकि उस जगह जिस जगह मेरा एग्जाम सेंटर था गुरुद्वारा रोड पूर्णिया में, उस जगह मेरा उस रोड में नाला वाला बन रहा था, ट्रैक्टर का जाम था, जिस वजह से 4 मिनट लेट हुआ। और एग्जाम सेंटर पे पहुंचते 4 मिनट लेट हो गया, जिस वजह से मुझे जाने नहीं दिया। फिर वहां से मैं निकली और उसके बाद मेरे पति वहां नहीं थे, लेकिन उन्होंने अचानक से आके मेरा वीडियो बनाया जिसके से वायरल किया। आप लोग बताइए इसमें गलत क्या था, और मुझे न्याय चाहिए, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। इन्होंने मुझे बहुत प्रताड़ित किया है, बहुत टॉर्चर किया है दहेज को लेकर कि मुझे 30 लाख ला के दो, मेरा फैमिली, तुम्हारा फैमिली में लेवल कुछ भी नहीं है, जैसे कि तुम लोग ऐसी कास्ट से हो, छोटे कास्ट से हो, कास्ट को लेकर बहुत मारपीट, दारू पीना, डेली दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, झगड़ा करते हैं पैसा वैसा को लेकर। जब भी आते हैं कहते हैं मुझको पैसा देने के लिए, मैं कहाँ से दूंगी, ये बात भी है। लेकिन इन्होंने मारपीट किया मेरे फैमिली को, कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली, पूरी फैमिली को फंसा देंगे, देख लेना, तुमको जान से मार देंगे। अगर अभी के डेट में अभी वो कहते हैं तुमको जान से मारेंगे, तो मेरे पास अगर पैसा नहीं दोगी, अगर जो कह रहे हैं वो नहीं, अगर डिवोर्स नहीं दी, अगर पैसा नहीं दी, अगर डिवोर्स नहीं दी, तब जाके हम तुमको जान से मार देंगे और कह देंगे, ब्लेम कर देंगे कि हाँ इतना गंदा कमेंट आ रहा था, खुद इतना गलत की टॉर्चर हुई और जाके फांसी वांसी लगा के खुद से मर गई। इनका कहना ये कल रात को भी पी करके आए तो ऐसे ऐसे बोल रहे थे, जिनको लेकर मुझे आज लगा कि मेरे को ठीक लगा कि मेरे जान की बात है और ये सही है कि मैं एक वीडियो बना के डालूं। बस इतना ही कहूंगी कि मुझे न्याय दिलवाइए, आप लोग से ही आग्रह करती हूँ। बस इस न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा। नफीसा हज एंड उमराह ट्रेवल्स, हज उमराह ज्यारत 16 अक्टूबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। 10 नवंबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। 20 दिसंबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। 15 जनवरी 2024, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। पैकेज इंक्लूजन एयर टिकट, उमराह वीजा, होटल, इंश्योरेंस, फूड, राउंड ट्रिप, ट्रांसपोर्टेशन बाई बस, जियारत, जमजम लॉन्ड्री। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, पासपोर्ट, दो पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड। इस बार हज उमरा का प्रोग्राम ये है, 2 सितंबर को पहला ग्रुप जा रहा लगा 15 दिन के लिए, 16 सितंबर को वापसी होगी। 95,000 के पैकेज है और सारी सहूलत है इसमें, खाने से लेके लॉन्ड्री, इंश्योरेंस, ज्यारत, मक्के की, मदीने की, सब इंक्लूड है इसके अंदर। कहाँ कहाँ से लोग इसमें आते हैं जिनको? पूरे बिहार से हमारे पास है, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सीतामढ़ी, पूर्णिया, सब जगह के लोग आते हैं, दरभंगा के लिए। कितने वर्षों से आप कर रहे हैं ये? 15 साल हमारा हुआ, ऐसे तो हमारा 30 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल से ग्रुप लेके जाते हैं, साल में 5-6 ग्रुप जाता है हमारे, और साथ में हम खुद जाते हैं, सारा मेंटेनेंस रेजिमेंट हम खुद करते हैं, इसमें किसी को इन्वॉल्व।